हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में। तो आज दिन है फ्राइडे का और ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मेरी हालत बहुत ख़राब है। जब मैं पिछले रात को सोने जा रही थी तब मतलब मेरी आँख अचानक से मेरी दोनों आँखें लाल हो गई और जब मैंने सुबह में आँख खोली तो मेरा आँख खुल ही नहीं रहा था। मतलब पूरी सटी रह गई थी, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा लगा है कि क्या है, इन्फेक्शन हुआ, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, पूरी आँखों का हालत ख़राब है। और देख रहे कैसे स्लोली स्लोली मैं काम कर रही हूँ, मतलब मुझे ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था, कौन सा सामान मैं कहाँ रखूँ नहीं रखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे काम करूँगी आज मैं। जैसे तैसे मैंने खाना बनाया है, मन भी नहीं कर रहा था, आँखों में बहुत ज़्यादा ही पेन है और अभी जैसे कि आँखों के इन्फेक्शन वगैरह भी चल रहे हैं तो मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। आज शाम को ही मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। गुब्बारे की तरह मेरी दोनों आईज़ फूल चुकी हैं और बहुत ज़्यादा ही पेन है। पता नहीं एडिटिंग वगैरह मैं कब कर पाऊँगी। थोड़ा सा लेट जाएगा ये ब्लॉग और शायद मैं आपको दिखा पाती, लेकिन मुझे ये सब दिखाना एक्चुअली अच्छा नहीं लगता, सॉरी फॉर दैट। नहीं तो मैं दिखा देती मेरी आँखों की हालत। और सुबह में बेटा स्कूल जाएगा, इस वजह से मैं थोड़े ब्रेड सेक रही हूँ। कुछ और करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और बेटे ने खाया भी नहीं ब्रेड। तो इस तरह से देखिए, सब्ज़ी मैंने बिल्कुल सिंपल सी बनाई है आज और पराठे बना लूँगी इस बीच, थोड़े बहुत तो बनाना ही पड़ेगा। बाहर से बोल रहे थे खरीद के लाने को लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने बोला नहीं ठीक है, मैं बना लूँगी जैसे तैसे। वैसे ही मतलब रेनी सीज़न चल रहा है तो बाहर का खाना भी अवॉइड ही करेंगे। तो यहाँ आलू की सब्ज़ी मेरी बन के हो गई है तैयार और यहाँ मैंने अजवाइन और थोड़ा नमक डालकर अच्छे से आटा को सेट कर लिया था और 15 मिनट तक आटे को रख के फिर मैं पराठा झटपट से बना रही हूँ। देखिए बेटा भी स्कूल के लिए रेडी होगा और उसकी भी आंखें लाल हुई थी दो दिन पहले, लेकिन अभी बच्चे की आईज पहले से बेटर है। लेकिन मुझे एक्चुअली घर में जो दवा थी वो काम नहीं थी, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और आज बिल्कुल सिंपल सी मैं मतलब वेजिटेबल राइस विथ पनीर बनाऊंगी। एक ही आइटम बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं मेरा बनाने का बिल्कुल मन है। तो अदरक नहीं डाला है मैंने, प्याज को मैंने डाला, उसके पहले मैंने जीरा का तड़का लगाया, फिर हरी मिर्च को डाला और प्याज को चॉप करके रखा था मैंने, उसको मैंने डाल दिया इसी स्टेज में। हल्का सा बस ट्रांसलूसेंस होने तक इसको भून लेंगे और उसके बाद जो लहसुन मैंने घिस के रखा है उसको इसी स्टेज में डाल देंगे। और वेजिटेबल में मेरे कैप्सिकम कैरेट फ्रिज में रखे हुए थे, मैंने अलग से कोई सब्ज़ी नहीं मंगवाई है क्योंकि एक तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है आँखों में, मुझे मन नहीं था कि दूसरा कुछ बनाऊं भी सब्ज़ी वगैरह। तो पनीर भी थे बस, जो है मैंने वो वाली अरेंज करके मतलब अच्छे से सारे चॉप कर दिए वेजिटेबल वगैरह, कैप्सिकम और गाजर को अच्छे से चॉप कर दिया है। और साइड में आप देख सकते हो पनीर भी मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। तो जैसे ही ये भुन जाएगा मसाला, एक्चुअली प्याज और लहसुन की बात मैं कर रही हूँ, अच्छे से भुन जाएगा फिर मैं इसमें कैरेट डाल दूँगी। देखिए कैरेट को डाल दिया है, इसके पहले भी मैंने ये रेसिपी शेयर की हुई है कैसे मैं बनाती हूँ, तो मैंने उस समय पनीर नहीं दिया था तो इस वाला रेसिपी में मैं पनीर डालकर बना रही हूँ। तो कैसे मतलब डॉक्टर क्या कह रहे नहीं कह रहे सब कुछ मैं आपको अपडेट दूँगी, मतलब डॉक्टर दिखाऊँगी आज शाम को। मतलब ठीक तरह से देख भी नहीं पा रही, ऐसी मेरी हालत है, ऐसी कंडीशन है मेरी। तो देखिए अब कैप्सिकम को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, अब ये हल्का से इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इसको मतलब सॉफ़्ट नहीं करना है, कुछ क्रंची क्रंची सा रहेगा तो अच्छा लगेगा। एक दो पीसेस पनीर के भी इसमें आ गए कढ़ाई में,
सब ये आँखों की वजह से हो रहा है, मतलब हम मुझे ना ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा इवन इसी वजह से। तो बाद में मैंने देखा अच्छा पनीर के टुकड़े भी आ गए, ठीक है कोई नहीं, हल्का सा फ्राई करके मैं बाद में इसमें बाकी के पनीर को ऐड कर दूँगी। और बड़ी मुश्किल से आज एडिटिंग वगैरह भी मैं कर रही हूँ, तो मन तो नहीं था क्योंकि आँखों पर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन छोटा सा ही व्लॉग है, कुछ ज़्यादा लंबा मैंने नहीं किया आज का व्लॉग। तो जब भी मेरे पास टाइम कम रहता है या फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, इस तरह के आइटम मैं सिलेक्ट करती हूँ तो झटपट से बन जाते हैं। सब्ज़ी की सब्ज़ी भी खानी हो जाती है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। और थोड़ा सा मैंने विनीगर इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं जल्दी से मतलब पक जाएँ, और मैंने ज़्यादा इसको कढ़ाई में चलाना नहीं है, बस हल्का सा इधर उधर बस अब चला लेंगे क्योंकि विनीगर डाला है तो जल्दी से वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो बस राइस मेरी जो है ना पहले ही मैंने चढ़ा दी थी, राइस हो चुकी है और इसमें उबले हुए राइस को मैं डाल दूँगी। अच्छे से नमक भी डालूँगी क्योंकि राइस बनाते समय मैंने कोई नमक अलग से ऐड नहीं किया था। तो इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक दे दिया है और काली मिर्च का पाउडर दे रही हूँ अभी। ये मेन पाउडर होता है जिससे ही आपके जो वेजिटेबल राइस बन रहे हैं उसका स्वाद जो है अच्छा आता है। और वेजिटेबल मसाला जो मैं बना के रखती हूँ वो भी मैंने डाल दिया है, और गरम मसाला भी मैं अभी डाल रही हूँ। ये सारे होममेड मसाले हैं तो इसी से जो राइस का जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पनीर भी आपने डाली हुई है और कैरेट कैप्सिकम तो आपने डाला ही है वेजिटेबल, तो कोई टेंशन नहीं है। वेजिटेबल भी खानी हो गई। और ये राइस ना मुझे भी बहुत पसंद है एक्चुअली, हर दिन अच्छा नहीं लगता लेकिन हाँ वीक में एक दो बार चल जाता है। और मैं ना एक बार
ज़रूर से वीक में एक बार ये इस तरह की रेसिपी बनाना पसंद करती हूँ, और बेटे को भी पसंद आती है। अभी अभी तो पसंद आ रही है, उसकी चॉइस तो दिन पे दिन मतलब चेंज होती रहती है, तो बेटा इसको इंजॉय कर लेगा। मतलब लंच में हम लोग सब यही ले लेंगे। तो यहीं तक था आज की रेसिपी, यहीं तक थी मेरी। कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर से कमेंट करके बताना, और जाते जाते मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और ये देखिए, मैं बेटे को होमवर्क भी करवा दे रही, उसका लंच वगैरह सब हो गया है, और आफ्टरनून का टाइम है, लगभग 12:30 का टाइम है। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आईज़ इस बीच ठीक हो जाएगी। और कैसे हैं आप सब, ये सब भी कमेंट में ज़रूर से लिखना। अपनी और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टाटा।